अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आज का जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करूंगी वो है नेहा कक्कर। नेहा कक्कर कौन है? ये है इंडिया की बहुत फेमस सिंगर और एक्टर भी हैं। तो नेहा कक्कर लुक मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, तो उसके लिए मुझे अपने बालों को क्रिम्पल करना है। यहाँ पर मैं क्रिम्पल करने के लिए ये क्रिम्पल की मशीन है रिंगमिंगटन की। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पूरी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी कि इसे क्रिम्पल बालों को कैसे करते हैं और इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है? तो अब मैं अपने बालों को क्रिम्पल करती हूँ और फिर मैं मेकअप के लिए आती हूँ। यस, माई हेयर इज रेडी लाइक नेहा कक्कर, लेट्स स्टार्ट मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़र करेंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्मा रोज मसाज क्रीम। ये एलोवेरा फ्लेवर में है और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और अपने फेस की जो ड्राइनेस है ना वो इसे अप्लाई करने से चली जाएगी और हमारी जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगी और सॉफ्टनेस आएगी और शाइन होगा फेस और ग्लो करेगा। नेक्स्ट मैं अपने बालों को कवर कर लूँगी और फिर उसके बाद अपने फेस को प्राइम करूँगी। प्राइम के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जेड डॉट की नॉट टू स्किन परफेक्टिंग प्राइमर प्योर मॉइस्चराइज़र शाइन कंट्रोल। इसे मैं वहाँ अप्लाई करूँगी जहाँ से मेरी फाउंडेशन हट जाती है, जहाँ जहाँ से मुझे स्वेटिंग होती है, फाउंडेशन हट जाती है, तो इसलिए मैं अपने फेस को प्राइम करूँगी, वहीं अप्लाई करूँगी और फिर मैं जेड डॉट की ही फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मेरी आजकल ये फेवरेट चल रही है क्योंकि जो लड़कियाँ हाई कवरेज फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती, बिल्कुल नेचुरल बीबी क्रीम की तरह ही जेड डॉट की नॉट मिनरल फाउंडेशन है, तो आप इसे अप्लाई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स से भी बताइएगा ये फाउंडेशन आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि जेड डॉट की फाउंडेशन और प्राइमर बहुत अच्छा है। फाउंडेशन अपने फेस पे कम से कम डॉट डॉट लगा के आप अप्लाई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से आपने आपके फेस पे ब्लेंड होगी। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा लगा के करेंगे तो फिर वो ज़्यादा नहीं होती है, फिर वो एकदम बुरी लगती है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी फाउंडेशन स्टे करे। और हाँ, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर टैप टैप ज़रूर करा करें क्योंकि इससे आपकी फाउंडेशन ज़्यादा देर स्टे करती है। और फिर हम अपनी आईब्रो को सेट करेंगे। आईब्रो सेट करने से पहले आप ज़रूर अपने आईब्रो के नीचे ब्रश होता है इसे अपनी आईब्रो को लाजमी सेट करा करें क्योंकि आईब्रोज के बाल जो होते हैं ना वो सेट नहीं हुए होते, अगर आप इसे ब्रश कर देंगे तो वो सेट हो जाएंगे और फिर आप पेंसिल आप अपनी आईब्रो से फिल करेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से फिर वो नेचुरल लुक आएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, मेरी जो आईब्रोज हैं ब्लैक हैं तो इसलिए मैं ब्लैक पेंसिल अप्लाई करती हूँ। जिन लोगों की ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, ग्रे है, तो वो लाइट ब्राउन जो पेंसिल होती है ना वो अप्लाई लाजमी करा करें, ठीक है? कोई भी आप आईब्रो पेंसिल ले लें, कोई भी आईब्रो पेंसिल तो अच्छी होती है, बस उसका ब्रश अच्छा होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं सिर्फ अपने आईब्रो को फ्रंट से ही सेट करूँगी और फिर आईशेड पैलेट लेंगे। आईशेड पैलेट है बी एंड ब्यूटी नेक्ट 39 कलर्स, बहुत अच्छे कलर्स है, शिमरी है इसमें सारे। तो ये इसमें से मैं ग्रे लूँगी क्योंकि मैंने नेहा कक्कर के जो देखा है आईज पे सिंपल सा शेड जो लगा हुआ है वो ना ब्लैक है ना वो ग्रे है, तो डार्क ग्रे भी नहीं है, मैंने जो लिया है वो लाइट ग्रे है। तो आप इसे सिंपल सा ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर फिंगर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिंगर से अप्लाई करें और हल्का सा दूसरी फिंगर से आप उसको ब्लेंड कर दें लाइट टाइप सा। मस्कारा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैन एंड जैन का वॉल्यूमिसिंग मस्कारा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाटरप्रूफ मस्कारा वॉल्यूम। तो ये मस्कारा अच्छा है तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी आई लैशेस पे
अब मैं अपने फेस पे ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश का नाम है डायनो लंडन। इसे मैंने काफ़ी वीडियोस में भी यूज़ करा है, तो इस वीडियो में भी यूज़ करूँगी, क्योंकि नेहा कक्कड़ का जो ब्लश है वो काफ़ी लाइट सा है और काफ़ी चिक्स पे लगा हुआ है और नोज़ पे बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेट लगा हुआ है चिक्स पे, तो इसलिए ये ब्लश काफ़ी अच्छा है और स्ट्रे करता है, बहुत ही नेचुरल लगता है अगर आप इसे अपने फेस पे लगाते हैं। और फिर मैं लिपस्टिक्स लगाऊंगी। लिपस्टिक्स लगाने से पहले आउटलाइन नॉट की है, डार्क पिंक शेड है इसका, और फिर हुदा ब्यूटी मैट लिप ग्लॉस लाइट पिंक है, तो ये मैं अपने लिप पे अप्लाई करूंगी और फिर हमारा मेकअप हो जाएगा डन। लास्ट में मैं तिल लगाऊंगी अपने आईब्रो के साइड, क्योंकि नेहा कक्कड़ की जो मैंने पिक्चर जूम करके देखी उनके आईब्रो के पास तिल लगा हुआ था, तो ये हुदा ब्यूटी का आईलाइनर है, बहुत अच्छा आईलाइनर है, बेस्ट है, और ये कहीं पे भी लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल है। तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहे। यस यूनिवर्स, आई एम रेडी लाइक नेहा कक्कर। तो मैंने नेहा कक्कर की ही तरह नॉस पिन पहनी है और एयरिंग भी बिल्कुल उनकी ही तरह पहने हैं और अपने बालों को क्रिम्पल किया है, और उनका मेकअप जो था बहुत ही सॉफ्ट मेकअप था, ना ही उन्होंने अपने फेस को, मुझे जो लगता है, उन्होंने कंसील किया, ना ही उन्होंने अपने फेस को कंट्रोल किया है, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, and must be comment how you like my video Neha Kakkar inspired makeup. May Allah bless you and your family. Allah Hafiz.